आपने बहुत बार टीवी या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट्स ऊपर चला गया या निफ्टी इतने पॉइंट्स नीचे हो गया। तो ये निफ्टी एंड सेंसेक्स है क्या चीज़, क्यों इसे न्यूज़ में दिखाया जाता है, कैसे ये कैलकुलेट होती है, इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो निफ्टी या सेंसेक्स को समझने से पहले हमें इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को समझना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली प्लेस होती है जहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। और इंडिया में ये दो सबसे बड़े एंड पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में एंड ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। करंटली BSE दुनिया का 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। BSE लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र में, एंड इसमें 5500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में। करंटली NSE दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसमें मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया था ट्रेडिंग फैसिलिटीज को ईजी करने के लिए। NSE का हेड ऑफिस भी मुंबई, महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। अब निफ्टी एंड सेंसेक्स है क्या, ये है इंडेक्सेस। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कंपनी के शेयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लेकिन स्टॉक मार्केट्स में तो हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अगर हमें मार्केट की परफॉर्मेंस को जानना है तो एक समय पे हर एक कंपनी के स्टॉक को ट्रैक करना मुश्किल है ना। तो इसलिए एक सैंपल लिया जाता है कंपनीज का जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, और इस स्मॉल सैंपल को कहते हैं इंडेक्स। तो BSE का जो इंडेक्स है उसे कहते हैं हम सेंसेक्स, एंड NSE का जो इंडेक्स है उसे कहते हैं निफ्टी। सेंसेक्स को BSE 30 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इन 5500 कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, कंपनीज जैसे इन्फोसिस, ITC, हीरो एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल मान लो एक मार्केट में सिर्फ दो कंपनीज हैं X एंड Y। X कंपनी के टोटल 250 शेयर्स हैं जिसमें से 200 शेयर्स अवेलेबल हैं जनरल पब्लिक के लिए एंड 50 शेयर्स हैं कंपनी की मैनेजमेंट के पास, और प्राइस पर शेयर हम मान लेते हैं ₹200। तो कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ईच शेयर वैल्यू, 250 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू ₹50,000। ये है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी एक्स। दोस्तों 2003 से पहले सेंसेक्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसीडर किया जाता था, लेकिन 2003 के बाद से फ्री फ्लो मार्केट को कंसीडर किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्री फ्लो मार्केट में हम जो शेयर्स कंपनी के मैनेजमेंट के पास होते हैं वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए जो शेयर्स अवेलेबल हैं वही इंक्लूड करते हैं। तो फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा फ्री फ्लोटिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर वैल्यू इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू ₹40,000। कंपनी वाई का फ्री फ्लोटिंग शेयर्स मान लेते हैं 150 एंड फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹60,000। तो एंटायर मार्केट की फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 40,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू ₹1,00,000। अब देखते हैं इससे सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस इंडेक्स लेना पड़ता है। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इस मार्केट में हम पिछले 10 साल से सेंसेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब फर्स्ट टाइम इंडेक्स कैलकुलेट किया गया था तब मार्केट वैल्यू थी ₹10,000। अब हमें इस 10,000 को 100 सेंसेक्स पॉइंट के बराबर मान लेना है, इसी को हम बेस इंडेक्स बोलते हैं। जब पहली बार BSE ने इंडेक्स स्टार्ट किया था तब बेस था 100। ये बेस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रखा गया था। तो जैसे कि हमारे एग्जांपल के हिसाब से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,00,000। अब 10,000 अगर 100 सेंसेक्स पॉइंट के बराबर है तो आज के हिसाब से 1,00,000 होगा 1,000 सेंसेक्स पॉइंट के बराबर, राइट? अब मान लो नेक्स्ट डे कंपनी एक्स को अच्छा प्रॉफिट हो गया एंड उसका हर एक शेयर ₹50 से बढ़ गया, तो फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 250 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,10,000। और इस हिसाब से सेंसेक्स इंक्रीज हो जाएगा 100 पॉइंट से और हो जाएगा 1100 पॉइंट्स। तो दोस्तों ये तो एग्जांपल था। सो ऐसे ही कैलकुलेट होता है फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड सेंसेक्स, जिसके बेसिस पे उन 30 कंपनीज को सेंसेक्स में इंक्लूड किया जाता है एंड ये कंपनीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। एंड ये 30 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की होती हैं। मान लीजिए आज सेंसेक्स 34,000 पॉइंट्स पर है, अगर ये ऊपर जाता है मतलब पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, तो इसका मतलब इन 30 कंपनीज में से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है एंड लोग इन कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसको हम बुल मार्केट भी बोलते हैं। और दूसरे केस में अगर सेंसेक्स नीचे जाता है पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं, इसका मतलब है कि इन 30 कंपनीज में से ज्यादातर कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ है या फिर कंपनी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है एंड लोग इन कंपनीज के शेयर्स को बेच रहे हैं, मतलब डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसको हम बियर मार्केट भी बोलते हैं।
अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल होता है। जैसे बिफोर 2008-9 में जो रिसेशन आया था उससे पहले सेंसेक्स 21,000 पॉइंट्स पे था, लेकिन रिसेशन के बाद ये गिर के 8,900 पॉइंट्स पे हो गया था। इतने सेंसेक्स का गिरने का कारण ये था कि लोगों ने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया था एंड कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप हो गई थी। इसीलिए हम सेंसेक्स के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है एंड कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी बजट अनाउंस होता है तब सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो अगर बजट मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है तब सेंसेक्स ऊपर जाता है एंड अगर बजट मार्केट के लिए नेगेटिव होता है तब वो नीचे जाता है। अभी रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ था उससे सेंसेक्स 840 पॉइंट्स ऊपर चला गया था। अब जैसे सेंसेक्स एक इंडेक्स है BSE का, वैसे ही निफ्टी इंडेक्स है NSE का, बट डिफरेंस क्या है, BSE में टॉप 30 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है लेकिन निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। निफ्टी को कैलकुलेट करते वक्त बेस ईयर लिया जाता है 1995 और जो बेस वैल्यू है वो है 1000 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सेम कंपनीज जो BSE में लिस्टेड हैं वो सेम कंपनीज NSE में भी लिस्टेड हो सकती हैं? तो इसको इस तरह से देखो, आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप खरीद सकते हो, फॉर एग्जाम्पल Amazon या Flipkart। वो प्रोडक्ट दोनों ही वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है और जो आपको वेबसाइट कन्वीनियंट लगती है जिसमें आपको प्राइस सही मिलती है वहां से आप परचेज कर लेते हो। वैसे ही एक कंपनी एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है एंड मे बी एक कंपनी का स्टॉक का प्राइस BSE एंड NSE में डिफरेंट हो, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स पे। जैसे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके इंडेक्सेस हैं, इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल US में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड जापान में जापान एक्सचेंज ग्रुप, तो इन कंट्रीज में भी अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एंड हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना अपना इंडेक्स है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में BSE एंड NSE। इन सब के इंडेक्स भी होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स जिसमें 30 कंपनीज लिस्टेड हैं एंड NSE का इंडेक्स है निफ्टी जिसमें 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, और इंडेक्स कंपनीज एंड कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करते हैं। तो अब आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी निफ्टी एंड सेंसेक्स पॉइंट्स को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में उन पॉइंट्स का मतलब है क्या।